हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओएस एंड वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर कंट्रोलिंग मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर कंट्रोलिंग मेटामॉर्फिज्म। प्रीवियस दो वीडियो में हमने देखा मेटामॉर्फिज्म क्या है और मतलब मेटामॉर्फिक रॉक क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सब चीज़ हमने देखा और एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म हमने देखा। बट आज हम देखेंगे फैक्टर, जो फैक्टर है वो मेटामॉर्फिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मेटामॉर्फिज्म क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसे प्री एग्जिस्टिंग रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिज्म को भी जो भी फैक्टर है या फिर जो भी उसके कॉज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वही चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ऑन डिमांड है मेटामॉर्फिज्म का, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे मेटामॉर्फिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम ये मेटामॉर्फिक का टॉपिक ले रहे हैं। आपका भी अगर कुछ डिमांड है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन योर टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसका जो मेन फैक्टर है, कुछ देख फैक्टर मीन्स, अब आप समझ गए होंगे कि कुछ कॉज है या फिर कुछ क्या मतलब थिंग्स है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मेटामॉर्फिज्म को। मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को मतलब मेटामॉर्फिज्म क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रोटोलिथ से मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिल रहा है, वो प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर या फिर जो भी उसका फैक्टर है इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं, कॉज है, उसी के बारे में हम आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेन फैक्टर दैट कंट्रोल मेटामॉर्फिक प्रोसेस आर, मेटामॉर्फिक प्रोसेस को जो कंट्रोल कर रहे हैं मेन जो फैक्टर है वो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, मीन्स पैरेंट रॉक का जो कंपोजिशन रहेगा वो रहेगा एक मेन फैक्टर। उसके बाद बात करते हैं जब टेम्परेचर, ठीक है, कितने टेम्परेचर में मेटामॉर्फिज्म हो रहा है वो एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, अमाउंट एंड टाइप ऑफ प्रेशर, कितना अमाउंट में प्रेशर लग रहा है और किस टाइप का प्रेशर लग रहा है, क्या वहाँ डायरेक्टेड प्रेशर लग रहा है या फिर कंप्रेशनल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है वो चीज़ देखेंगे, या फिर टेंशनल प्रेशर लग रहा है, किस टाइप का प्रेशर लग रहा है और कितने अमाउंट में प्रेशर लग रहा है, वो भी एक फैक्ट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम स्टडी कर सकते हैं उसका जो मतलब मेटामॉर्फिज्म का मतलब जो भी प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिज्म का टेक्सचर और स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, टेक्सचर और स्ट्रक्चर को के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं कि इसमें किस टाइप का प्रेशर एक्ट हुआ था। तो प्रेशर भी एक फैक्टर है। उसके बाद फ्लूइड, ठीक है, जो भी फ्लूइड है मेटामॉर्फिज्म के द्वारा, जो भी फ्लूइड रहते हैं, द टाइप ऑफ फ्लूइड दैट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म के दौरान जो भी फ्लूइड रहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और टाइम, कितना टाइम लग रहा है मेटामॉर्फिज्म होने में, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, तो ये तो थे कुछ फैक्टर। सबसे पहले हमने देखा प्रोटोलिथ का कंपोजिशन, देन हमने देखा टेम्परेचर के बारे में, देन हमने देखा प्रेशर के बारे में, अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड व्हिच टाइप ऑफ प्रेशर वो देखा हमने। अब देखते हैं, देखा हमने फ्लूइड, किस मतलब फ्लूइड का जो प्रेजेंट है ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस, और कितना टाइम लग रहा है वो भी। तो वन बाय वन अब देखते हैं डिटेल में थोड़ा। जैसे हमने देखा पेरेंट रॉक या फिर पेरेंट रॉक का जो कंपोजिशन है उसके ऊपर किस टाइप में डिपेंड कर रहा है वो देखते हैं। द प्रेजेंट या फिर बोल सकते हो पैरेंट, जो पहले से प्रेजेंट रहता है। ओके, द पैरेंट रॉक और प्रोटोलिथ, जिसे आप प्रोटोलिथ भी बोल सकते हो, जो कि पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटो मीन्स जो रहता है प्री एग्जिस्टिंग और लिथ रॉक, प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो पहले से ही फास्ट रॉक जिससे मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। ठीक है, इज द रॉक दैट एग्जिस्ट बिफोर द मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट। ठीक है, यही चीज़ है। देखिए, मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट होने से जो भी रॉक रहता है, मतलब पेरेंट रॉक एक ऐसा रॉक है जिस रॉक से मेटामॉर्फिज्म रॉक मिल रहा है। ठीक है, जिस रॉक से भी मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है उसे ही हम बोल रहे हैं पेरेंट रॉक या फिर प्रोटोलिथ। तो द पेरेंट रॉक और प्रोटोलिथ इज द रॉक दैट एग्जिस्ट बिफोर द मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट, मेटामॉर्फिज्म होने के पहले जो भी रॉक एग्जिस्ट है उसे ही हम बोल रहे हैं पेरेंट रॉक। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्रोटोलिथ इज इट्स मिनरल कंपोजिशन। ठीक है, इसका मिनरल कंपोजिशन है इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, एंड मेटामॉर्फिज्म डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द मिनरल। ठीक है, अब इसका मिनरल का कंपोजिशन है, ऑब्वियसली वेरियस मिनरल का वेरियस स्टेबिलिटी है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ओलिविन का तो बहुत लेस स्टेबल है, बट जब बात करते हैं हम क्वार्ज का तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है क्वार्ज, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है क्वार्ज का। तो इसी तरह डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब रॉक का जितना स्टेबिलिटी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मेटामॉर्फिज्म होगा। लाइक अगर 300 डिग्री का टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है, सपोज कोई भी रॉक मतलब मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में 300 डिग्री का मतलब टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है, 300 डिग्री का टेम्परेचर अप्लाई होने से उसमें जो मिनरल है उसके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप में मेटामॉर्फिज्म होगा। ठीक है, अगर 400 डिग्री का या फिर 300 डिग्री का कोई भी एक पर्टिकुलर रॉक में टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है तो वो कितना अमाउंट में मेटामॉर्फिज्म होगा, तो उसको वो डिपेंड करता है मिनरल के ऊपर, वेदर द मिनरल, अगर वो मिनरल जो भी है एनीथिंग एल्स, ओके, अगर वो रेजिस्ट कर लेता है 300 डिग्री का
सेल्सियस को वो मेटामॉर्फोज नहीं होता, तो वो मतलब मिनरल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मिनरल बहुत ही लेस टेम्परेचर में मेटामॉर्फिज्म दिखाते हैं, कोई बहुत हाई टेम्परेचर में दिखाते हैं। तो प्रोटोलिथ का जो मिनरल है उसका स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मेटामॉर्फिज्म कितना अमाउंट में होगा या फिर ग्रेड क्या रहेगा मेटामॉर्फिज्म का। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर है टेम्परेचर। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि मेटामॉर्फिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो है टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर दैट द रॉक इज सब्जेक्टेड टू इज ए की वेरिएबल इन कंट्रोलिंग द टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ओके, मेटामॉर्फिज्म में कितना अमाउंट का टेम्परेचर लग रहा है ये भी एक की वेरिएबल है, जिसकी वजह से जो मेटामॉर्फिज्म है उसका प्रोसेस प्रोग्रेस में आता है। मीन्स टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑल मिनरल्स इज स्टेबल ओवर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, सब मिनरल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का जो स्टेबिलिटी है कि वो इतना अमाउंट का टेम्परेचर रजिस्ट कर सकता है, बट जब वो अमाउंट का टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा, मीन्स पर्टिकुलर समझ लीजिए कोई एक्स मिनरल है जिसका टेम्परेचर रेंज है 200 डिग्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्स मिनरल है, ओके, उसका जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस को वो रजिस्ट कर सकता है, बट क्या होगा अगर 200 डिग्री से एक्सीड हो गया, तो ऑब्वियसली ये मेटामॉर्फोज हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट में टेम्परेचर लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से मेटामॉर्फिजिंग प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्ले मिनरल्स आर ओनली स्टेबल अप टू अबाउट, ये देखिए क्ले मिनरल 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक ही वो स्टेबल है। एबव दैट दे ट्रांसफॉर्म टू माइका। ठीक है, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर 150 से 200 के ऊपर, मीन्स मे बी ये 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, तो इसके ऊपर इस पे अगर टेम्परेचर अप्लाई होता है क्ले मिनरल पे, तो क्या होगा ना, कन्वर्ट हो जाएगा माइका पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेटामॉर्फिज्म हुआ, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में टेम्परेचर एक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म होगा। अगर ये रजिस्ट कर सकता है 150 टू 200, अगर यहाँ पर क्या होगा अगर 100 का टेम्परेचर अप्लाई है, तो यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में टेम्परेचर यहाँ पर यूज हो रहा है। अदर मिनरल्स आर मतलब ये तो हमने देखा क्ले मिनरल का, और भी कुछ मिनरल है अदर मिनरल्स, बाकी मिनरल को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया अदर मिनरल्स, जो कि 150 से 1000 के अंदर मेटामॉर्फोज हो रहे हैं। अदर मिनरल्स मीन्स यहाँ पर वेरियस मिनरल है। ठीक है, जितने टाइप के भी मिनरल है यहाँ पर सब इंक्लूड है। तो यहाँ पर वो मिनरल हो सकता है 300 में भी कोई मिनरल का, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मिनरल इंक्लूड है, तो कोई 300 में भी हो सकता है, कोई 400 में भी मेटामॉर्फिज्म दिखाना स्टार्ट कर सकता है, कोई 500। तो यहाँ पर एक रेंज हमने ले लिया, इस रेंज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल का जो रहता है स्टेबिलिटी रहता है टेम्परेचर का, बट उसको एक्सीड करने से ऑब्वियसली मेटामॉर्फिज्म दिखाना चालू हो जाएगा। सम मिनरल्स क्रिस्टलाइज इनटू डिफरेंट पॉलीमॉर्फ। ठीक है, कोई कोई मिनरल डिफरेंट पॉलीमॉर्फ में भी क्रिस्टलाइज होता है, उसे भी हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म। ओके, अब पॉलीमॉर्फ क्या है, ऑब्वियसली जब हम मिनरलॉजी देखेंगे तो वहाँ पर हम पॉलीमॉर्फ, ठीक है, आइसोमॉर्फ सब कुछ देखेंगे। पॉलीमॉर्फ क्या है, ये जो टर्म है पॉली मीन्स मोर देन वन, और फॉर्म क्या है, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। ठीक है, मोर देन वन फॉर्म, अब अगर एक से ज़्यादा फॉर्म है तो ऑब्वियसली इसका जो केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, सेम कंपोजिशन डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। लाइक जब बात करते हैं कार्बन और डायमंड का, तो कार्बन का भी कंपोजिशन सी है, डायमंड का भी सी है, बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दैट्स व्हाई एक है कार्बन एक है डायमंड। ठीक है, तो इसी तरह इसका अगर एग्जांपल लेंगे मेटामॉर्फिज्म का, काइनाइट, एंडलुसाइट, सिलिमानाइट। ठीक है, ये तीन मिनरल है जो कि क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, मतलब पॉलीमॉर्फ, उस तीन मिनरल है जो पॉलीमॉर्फ है एक दूसरे के। ठीक है, किसका पॉलीमॉर्फ है, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट का। ठीक है, Al2SiO5 एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इसका पॉलीमॉर्फ है डिफरेंट डिफरेंट, एक मिनरल है काइनाइट, एक एंडलुसाइट, एक सिलिमानाइट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का जब प्रेशर या फिर टेम्परेचर अप्लाई होता है, यहाँ पर हम बात करें टेम्परेचर का, तो पॉलीमॉर्फिज्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो काइनाइट बनेगा या फिर एंडलुसाइट या फिर सिलिमानाइट, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये था टेम्परेचर के बारे में। अब देखते हैं प्रेशर, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो प्रेशर। प्रेशर किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है मेटामॉर्फिज्म को। प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन मेटामॉर्फिक प्रोसेस फॉर टू मेन रीजन्स। ठीक है, प्रेशर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं, उसका जो टू मेन रीजन्स है क्या क्या है। फर्स्ट, इट इज इम्प्लीकेशन फॉर मिनरल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली ये मिनरल का स्टेबिलिटी को इम्प्लाइज कर रहा है, मिनरल का स्टेबिलिटी क्या है हमने देख लिया। सेकेंड जो इसका है, इट इज़ द इम्प्लीकेशन फॉर द टेक्स्चर ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का टेक्स्चर या फिर स्ट्रक्चर भी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट में प्रेशर लगा, तो किस टाइप का मतलब वहाँ पर प्रोसेस
हो रहा है और उसके वजह से किस टाइप का हमें स्ट्रक्चर या फिर टेक्सचर मिल रहा है, ठीक है, वेदर इट इज फोलिएटेड और सिस्टोज, ये सब चीज़ डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किस तरह प्रेशर इन्फ्लुएंस कर रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा। वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है, डायरेक्टेड प्रेशर मीन्स, बट डायरेक्टेड प्रेशर क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, ठीक है। अब वो अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जहाँ पर हमने देखा था एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म वहाँ पर आप देख लीजिए। तो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्टेड प्रेशर एंड शियर स्ट्रेस, डायरेक्टेड प्रेशर और शियर स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस जो है प्रेशर अप्लाई हो रहा है, डायरेक्टेड प्रेशर और शियर स्ट्रेस के वजह से जो रॉक है फोलिएटेड हो जा रहा है, ठीक है। फोलिएटेड जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला उसका कोज क्या है, यहाँ से पता क्या चला, उसका कोज है डायरेक्टेड प्रेशर और शियर स्ट्रेस। अब ऑब्वियसली शियर स्ट्रेस और डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से फोलिएटेड स्ट्रक्चर बन रहा है, तो फोलिएटेड स्ट्रक्चर बनने के लिए जो प्रोसेस चला मेटामॉर्फिज्म उसमें प्रेशर का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये था ऑल अबाउट प्रेशर। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लूइड के बारे में, बट फ्लूइड देखने से पहले और एक एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। रॉक दैट आर सब्जेक्टेड टू वेरी हाई कॉन्फाइंड प्रेशर, जो कि हाई कॉन्फाइनिंग प्रेशर में सब्जेक्ट हो रहा है, जो भी रॉक की मेटामॉर्फिज्म हो रहा है हाई प्रेशर के अंडर, वो क्या रहेगा, टिपिकली डेंसर देन अदर, ठीक है, डेंसर रहेगा बिकॉज द मिनरल ग्रेन स्क्वीज टुगेदर, ठीक है, जो रहे उसका मिनरल ग्रेन जो रहेगा एक साथ स्क्वीज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, मतलब जैसे आप स्पॉन्ज को अगर प्रेस करते हो कैसे स्क्वीज हो जाता है, इसी तरह मिनरल का ग्रेन हाई प्रेशर के द्वारा स्क्वीज हो जा रहा है ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ से पता क्या चला, जिस भी रॉक में मिनरल स्क्वीज कंडीशन में दिखेगा, डेंसर रहेगा, वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कहीं ना कहीं कॉन्फाइनिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, वेरी हाई कॉन्फाइनिंग प्रेशर वहाँ पर अप्लाई हुआ है ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म। तो आप देखते हैं नेक्स्ट जो है फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड किस तरह कंट्रोल कर रहा है मेटामॉर्फिज्म में। वाटर इज द मेन फ्लूइड प्रेजेंट विद इन रॉक, ठीक है, रॉक ऑब्वियसली डिपसाइडी बात करते हैं जब सेडिमेंट्री की, तो कुछ अमाउंट में वहाँ पर वाटर का कंटेंट भी रहता है, ठीक है, सेडिमेंट्री बेसिन्स में, ठीक है, क्रस्ट के रॉक में आपको वाटर का प्रेजेंस भी मिलेगा। वाटर इज द मेन फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द रॉक्स ऑफ क्रस्ट, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर टू मेन रीजन्स, ठीक है, वाटर का प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, किस तरह वो मेटामॉर्फिज्म में या फिर मेटामॉर्फिक जो प्रोसेस है, मेटामॉर्फिक जो रॉक बन रहा है उसमें जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस है किस तरह वो अप्लाई हो रहा है, किस तरह वो इन्फ्लुएंस कर रहा है मेटामॉर्फिज्म को। तो सबसे पहला जो उसका मतलब रीजन है क्यों वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वाटर फैसिलिट्स द ट्रांसफॉर्म ऑफ आयन बिटवीन मिनरल्स, ठीक है, जो भी दो मिनरल के बीच में जो आयन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो वाटर क्या कर रहा है, बहुत ही जल्दी करा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, वाटर के द्वारा जो भी मिनरल के बीच में आयन का एक्सचेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्वियसली एक्सचेंज ट्रांसफॉर्मेशन होने से कहीं ना कहीं वहाँ पर रिएक्शन होगा, अब रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली मेटामॉर्फिज्म में प्रेशर टेम्परेचर भी एक्ट करता है, तो प्रेशर टेम्परेचर एक्ट करने की वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। तो जो क्या कर रहा है, वाटर का काम क्या है, यहाँ पर आयन को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, बिटवीन मिनरल और विद इन मिनरल, ठीक है, मिनरल के दो मिनरल के बीच में भी कर रहा है और एक ही मिनरल के बीच में भी कहीं ना कहीं आयन वो एक्सचेंज करवा रहा है, ठीक है। तो पहला काम यही है वाटर का, और दूसरा काम जो है, हॉट वाटर कैन हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन टू डिजॉल्व सब्सटेंस, हेंस इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर मूविंग सर्टेन एलिमेंट एंड कंटिन्यूइंग मेटामॉर्फिज्म, ओके। तो पता क्या चला, यहाँ से जो हॉट वाटर रहते हैं, अब वाटर ऑब्वियसली वेरियस कंडीशन में रहेंगे, कहीं पर आपको हॉट वाटर मेटामॉर्फिज्म में मिलेगा, कहीं पर हॉट नहीं रहेगा, कोल्ड रहेगा। तो जब बात करते हैं हॉट वाटर का, तो वहाँ पर क्या रहेगा, उसका जो हाई कंसेंट्रेशन रहता है सब्सटेंस को डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, मिनरल में जो भी सब्सटेंस है उसको या फिर रॉक में जो भी सब्सटेंस है उसको डिजॉल्व करने के लिए हॉट वाटर का बहुत ही ज़्यादा कंसेंट्रेशन रहता है, ठीक है। तो उसके द्वारा कुछ एलिमेंट को वो मूव करता है, मतलब मूवमेंट कराता है, जिसके वजह से आपका मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ये था फ्लूइड के बारे में। अब ज़्यादा वीडियो को लेंदी ना करते हुए जल्दी से टाइमिंग, मतलब जो लास्ट हमारा फैक्टर था टाइम, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं फैक्टर जो है मेटामॉर्फिज्म का वो आज एंड हो जाएगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जियोलॉजी रिलेटेड इस टाइप का वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सके। अब देखते हैं टाइम के बारे में। मोस्ट मेटामॉर्फिक रिएक्शंस टेक प्लेस एट वेरी स्लो रेट, ठीक है, कुछ मतलब जितना भी मेटामॉर्फिज्म रिएक्शन है बहुत स्लो, मतलब स्लो रेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल द
ग्रोथ ऑफ न्यू मिनरल विद इन ए रॉक हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1 mm पर मिलियन ईयर। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है मिलियन ईयर का। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना स्लो प्रोसेस में ये हो रहा है। ठीक है, 1 mm मेटामॉर्फिज्म होने में कितना मतलब पर 1 मिलियन ईयर में 1 mm मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना इसमें टाइम में डिले हो रहा है, मतलब कितना स्लो प्रोसेस है। तो इसीलिए फॉर दिस रीजन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन लैब। ठीक है, इसीलिए लैब में मेटामॉर्फिक प्रोसेस को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट जब हम बात करते हैं इग्नियस का, क्रिस्टलाइजेशन का, तो वो हम लैब में स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास था एक 52 रिएक्शन सीरीज जिसको 52 ने स्टडी किया था लैब में। ओके, बट इन केस ऑफ मेटामॉर्फिज्म हम मेटामॉर्फिज्म को लैब में स्टडी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू इट्स वेरी स्लो रेट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, बहुत स्लो में होता है, मतलब उसका जो रेट है बहुत स्लो है। आप अब देख सकते हो 1 mm होने के लिए मेटामॉर्फोज कितना मिलियन 1 मिलियन ईयर लग रहा है। ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट फैक्टर कंट्रोलिंग मेटामॉर्फिज्म। कुछ भी डाउट आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।